सरकारी आदमी YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पेंशनर फैमिली पेंशनर से जुड़ी हर एक ताजा खबर सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि लेटेस्ट गवर्नमेंट अपडेट से मैं आपको अवगत करा सके। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों के लिए आज हम दो महत्वपूर्ण अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी पहली अपडेट में हम जानेंगे भारत सरकार के द्वारा यहाँ पर जो हमारे सैनिकों भूतपूर्व सैनिकों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, उसमें आपको क्या छूट दी गई है। सेकेंडली, यहाँ पर जॉब के बारे में अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लें, ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। चलिए दोस्तों, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आज के हमारी पहला जो यहाँ पर लेटर जारी किया है भारत सरकार के द्वारा, उसके बारे में जान लेते हैं। देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI के द्वारा यहाँ पर 3 जनवरी 2020 को ये ऑफिशियल मेमोरेंडम, ये लेटर यहाँ पर शेयर किया गया है। और इसमें यहाँ पर सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों यानी आर्म फोर्स पर्सन के यहाँ पर टोल टैक्स पेमेंट एग्जम्पशन को लेकर क्लैरिफिकेशन दिया गया है। इसमें पैराग्राफ 2 के अंदर आप क्लियरली देख पाएंगे, इसमें कहा गया है कि हमारे सैनिक जो कि ऑन ड्यूटी हैं आर्मी एयरफोर्स एक्ट 1901 के तहत, ऐसे आर्म फोर्स पर्सन्स जो ड्यूटी हैं और डोंट पर्टेन टू रिटायर पर्सन, मतलब ये रिटायर्ड पर्सन के लिए नहीं है, उनको यहाँ पर टोल टैक्स एक्ट के तहत छूट दी गई है, मतलब उनसे कोई टोल टैक्स यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। सेकेंडली, इन्होंने यहाँ पर कहा है कि कोई एग्जम्पशन, मतलब कोई छूट नहीं दी जाएगी ऐसे केस में जब यहाँ पर कोई आर्म फोर्स पर्सन पर्सनल व्हीकल यूज करता है, इफ़ इट इज़ नॉट यूज फॉर डिस्चार्जिंग एनी ऑफिशियल पर्पज, मतलब किसी ऑफिशियल पर्पज के लिए नहीं है और ड्यूटी के लिए भी नहीं, तो ऐसे केस में उनको यहाँ पर छूट नहीं दी जाएगी। मतलब कि आर्म फोर्स पर्सन को यहाँ पर एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा इन केस वो पर्सनल व्हीकल का यूज करते हैं। तो ये आर्मी एंड एयरफोर्स एक्ट 1942 के तहत ऐसा किया गया है और रिटायर पर्सन को भी यहाँ पर इसके संदर्भ में कोई एग्जम्पशन नहीं दिया जाएगा। सेकेंडली, हम बात करते हैं जो यहाँ पर वैकेंसी निकली है उनके बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पर दूसरी जो अपडेट निकली है, यहाँ पर हमारे मार्टाइड सोल्जर के वार्ड्स के लिए डायरेक्ट SSB इंटरव्यू है, उसके लिए यहाँ पर हम अपडेट दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को बिल्कुल शेयर ज़रूर कर लें, ताकि किसी ज़रूरतमंद की यहाँ पर ज़रूरत हो सके। तो यहाँ पर हमारे बेटर कैजुअल्टी के अंदर जो हमारे सैनिक हैं शहीद हो चुके हैं या फिर जो यहाँ पर वाउंडेड हो गए हैं इन एक्शन, उनके वार्ड के लिए डायरेक्ट SSB इंटरव्यू किया जा रहा है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो या तो फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में हो या फिर उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है विद मिनिमम 50% मार्क्स, और एज बिटवीन यहाँ पर बता देंगे हम कैसे कितनी एज होनी चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, चलिए एक बार नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले बैटल कैजुअल्टी का मतलब यहाँ पर जो हमारे सैनिक मार्टायर्ड इन एक्शन है उनके वार्ड्स जो कि डाइड हो गए हैं या फिर वाउंडेड इन एक्शन है या फिर मिसिंग इन एक्शन है, इन सभी का के वार्ड्स को यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर ये डायरेक्ट SSB इंटरव्यू कॉल किया गया है। SSB इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर इसकी कंडक्ट डेट है वो बिटवीन जून टू अगस्त है, और जितने भी रेजिमेंट है, यूनिट है, रिकॉर्ड ऑफिस है, उनसे यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है कि आप इनकी लिस्ट यहाँ पर आगे फॉरवर्ड कर दें। तो इनका ये मैसेज यहाँ पर दिया गया है निखिल दीवानजी द्वारा, उनका कहना है कि मैं यहाँ पर आप ये जो SSV ट्रेनिंग है अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बैटल कैजुअलिटी कैंडिडेट उनके लिए यहाँ पर कर रहा हूँ, इसलिए आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड किया है 9424501293। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई भी यहाँ पर बैटल कैजुअलिटी वार्ड है तो उन सभी को यहाँ पर डायरेक्ट SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। तो ये थी आज की हमारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। वी होप वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए वैल्यूबल होगी। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।